जबूर नंबर 39, दुखी आदमी का इकरार। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगबानी करूंगा ताकि मेरी जबान से खता ना हो, जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। मैं गुंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग बड़क उठी। तब मैं अपनी जबान से कहने लगा, हाय खुदावंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। देख, तूने मेरी उम्र बलश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो जखीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन ले लेगा। आए खुदावंद, अब मैं किस बात के लिए ठहरा रहूं? मेरी उम्मीद तुझसे ही है। मुझको मेरी सब खताओं से रहाई दे, अहमकों को मुझ पर अंगुष्ट नमाई ना करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझसे अपनी बला दूर कर दे, मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान को बदी पर मलामत करके तंबीह करता है तो तू उसके हुसन को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। आए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ, जैसे मेरे सब बाप दादा थे। आह, मुझसे नजर हटा ले ताकि ताजा दम हो जाऊं, इससे पहले के रहलत करूं और नबूद हो जाऊं। आमीन।